Assalamu alaikum students, this is going to be your chemistry 9th class, chapter number 1, fundamental of chemistry. आज मैं आप लोगों को formulas बताऊंगी, just formulas जो आपके first chapter में इस्तेमाल होंगे, जिनको आप सीख के आप अपने first chapter के तमाम numericals easily solve कर सकेंगे. So first जो हमारे पास formula है, वो है जी, that is how to find the number of moles. Like maximum आपके first chapter में आपसे पूछा जाता है that to find the number of moles in this or that, right? So number of moles अगर हमने find करने हैं, हम कैसे करेंगे? First number of moles is equal to नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं मास इन ग्राम, मास इन ग्राम. आप इसको नॉन मास भी लिख सकते हैं, ठीक है, नॉन मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास. नॉन मास या मास इन ग्राम तो आप लोगों के क्वेश्चन में ही गिवन होता है. अब मोलर मास क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा ज़रा मैं आपको इलेबोरेट कर दूँगी. जैसे कि आपके फर्स्ट चैप्टर के एग्जांपल 1 और 2 हैं, आपको बताया हुआ है कि कैसे मोलर मास फाइंड करना है. यहाँ पे ज़रा सी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. फॉर एग्जांपल जैसे HNO3 है कोई, मतलब केमिकल है नाइट्रिक एसिड, वो आपके क्वेश्चन में गिवन है. लेट सपोज समझाने के लिए, तो आप इसका मोलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? मोलर MOLAR मोलर मास, राइट. मोलर मास HNO3 का कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है, आपके पीरियोडिक टेबल में गिवन है 1 है, ओके. प्लस नेक्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक मास पुट करने से पहले प्लस का साइन लगाते हैं, देन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन का हो गया, देन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है, एटॉमिक नंबर इज 7 एंड इट्स एटॉमिक मास इज 14, राइट. एटॉमिक मास क्या होता है? सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. अब है जी बारी ऑक्सीजन की. ऑक्सीजन प्लस, अगेन प्लस लगाएंगे. ऑक्सीजन क्या है? 16 इसका एटॉमिक मास है, और यहाँ पे 3 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, दैट इज़ वाई हम 3 को इसके साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, हेयर ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, ठीक है. आप इसको 3×16 भी लिख सकते हैं. सो 1+14 प्लस जितने नंबर ऑफ एटम्स हो, जैसे ऑक्सीजन के साथ 3 था तो हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, अगर नाइट्रोजन के साथ फॉर एग्जांपल 2 होता तो यहाँ पे हम 14 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते. 6 1 6 6 2 12 6 3 18 1 carry 4 48. नाउ अब इसको आप प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 49+14 and 63. ओके, आई होप आई एम राइट. यस आई एम राइट. ग्राम पर मोल, ठीक है जी. ये हो गया आपका फर्स्ट जो फॉर्मूला है जो इस्तेमाल होता है आपके फर्स्ट चैप्टर में. नेक्स्ट है, आपसे पूछा जा सकता है दैट फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करें. कुछ भी क्वेश्चन में गिवन हो, लाइक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर फाइंड करना आ जाए तो आप उसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? उसको कैलकुलेट करने के लिए आपके पास होंगे नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, राइट. अब नंबर ऑफ मोल्स अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप इनको खुद से भी फाइंड कर सकते हैं. कैसे? अगेन ये जो फर्स्ट मैंने आपको फॉर्मूला समझाया इसको यूज करके, राइट. मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर. व्हाट आर एवोगैड्रोस नंबर? इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू, 6.02 × 10⁻²³. ओके, 6.02 × 10⁻²³. अच्छा जी, अब है कि ये हो गया हमारा सेकेंड इसका फॉर्मूला. नाउ वी हैव द थर्ड फॉर्मूला जो हमारे पास आता है मोस्टली, कि हमें क्वेश्चन में हमें अगर आ जाए कि आप फाइंड करें नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स अगर फाइंड करने हैं किसी के भी तो आप उसको किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं?
सेम नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाई बाय फॉर्मूला यूनिट्स. अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स से तो आप अब फेमिलियर हो चुके हैं, एवोगैड्रोस नंबर का आपको पता चल चुका है. अब फॉर्मूला यूनिट क्या है, फॉर्मूला यूनिट मैं आपको समझाती हूँ. लेट सपोज अगर नाइट्रिक एसिड है HNO3, इसमें आपको क्वेश्चन में ये गिवन है कि आप नाइट्रिक एसिड के नंबर ऑफ एटम्स मालूम करें, ठीक है. तो आप किस तरह से नंबर ऑफ एटम्स मालूम करेंगे, सेम नंबर ऑफ मोल्स आप इसके कैलकुलेट करेंगे, एवोगैड्रोस नंबर ओके एंड फार्मूला यूनिट. फार्मूला यूनिट मींस कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हैं. वन हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम मौजूद है, एक नाइट्रोजन का है और तीन ऑक्सीजन के है. सो ये कंबाइन होकर क्या हो जाएंगे, 5. तो हियर द फॉर्मूला यूनिट फॉर नाइट्रिक एसिड वुड बी 5. लेकिन अगर स्पेसिफिकली आपसे पूछा जाता है कि आप ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स बताएं या फिर नाइट्रोजन के बताएं, तो उस हिसाब से आपने यहाँ पे फार्मूला यूनिट्स पुट करने होंगे. फॉर एग्जांपल आपसे ऑक्सीजन के पूछे जाते हैं तो आप यहाँ पे क्या फार्मूला यूनिट पुट करेंगे, इन नाइट्रिक एसिड तो 3 आप पुट करेंगे, राइट. सेम अगर हाइड्रोजन के पूछे जाते हैं दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन द हाउ मेनी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन द नाइट्रिक एसिड, सो यहाँ पे आप हाइड्रोजन के लिए क्या पुट करेंगे, ऑब्वियसली हाइड्रोजन का 1 है एटम नाइट्रिक एसिड के अंदर प्रेजेंट, तो आप 1 पुट करोगे. ओके, नाउ नेक्स्ट जो फॉर्मूला आता है वो क्या है, नंबर ऑफ आइंस फाइंड करने का. नंबर ऑफ आइंस दैट फाइंड आउट द नेक्स्ट फॉर्मूला इज टू फाइंड द नंबर ऑफ आइंस. नंबर ऑफ आइंस अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मालूम करने हैं, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि आपके पास एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 ओके, कि इसके ना इसके अंदर जो है इसके क्लोरीन के नंबर ऑफ आइंस मालूम करने हमने, तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले बेसिक फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाई बाय आइंस, लाइक कितने नंबर ऑफ आइंस मौजूद है. फॉर एग्जांपल अगर क्लोरीन के करने हैं, सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे, डिसोसिएट करेंगे, लाइक एल्यूमिनियम Al+3 के अंदर कन्वर्ट होगा प्लस क्लोरीन Cl-1, इनकी वैलेंसीज आपको पता है कि कैसे निकालनी है, अगर नहीं पता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. एल्यूमिनियम +3 क्लोरीन Cl-1, अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम 3 पुट करेंगे. तो अगर क्लोरीन के नंबर ऑफ आइंस मालूम करने हैं तो आपको पता चल जाएगा यहाँ से बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से कि यहाँ पे 3 नंबर ऑफ आइंस हैं मौजूद क्लोरीन के, तो यहाँ पे आइंस की जगह आप क्या पुट करेंगे, 3. बाकी सब तो पिछले की तरह सेम है. ऑलराइट, एवोगैड्रोस नंबर कॉन्स्टेंट वैल्यू और नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करने हैं आपको फर्स्ट इसमें फार्मूला में मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया है. ओके स्टूडेंट्स, अभी आपको आपने इस जो वीडियो है ये जो लेक्चर है आपने ये सीखा है कि फर्स्ट चैप्टर के जो 9th के न्यूमेरिकल्स हैं उनको यूज़ करने के लिए फार्मूलाज को कैसे पुट करना है और कौन कौन से फार्मूलाज मोस्टली इस्तेमाल होते हैं. मोस्टली क्या, ऑलमोस्ट 100% यही फार्मूलाज इस्तेमाल होते हैं, लेकिन क्वेश्चन का की डिमांड मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन उसके अंदर जो बेसिक चीज़ पूछी जाती है वो इन 4 जो है, मतलब 4 जो फार्मूला हैं उन पे ही बेस करती हैं. सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को सब क्लियर हो गया होगा, आप लोगों को अब कोई मुश्किल नहीं होगी फर्स्ट चैप्टर के केमिस्ट्री के 9th क्लास के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में. अगर आपको फर्स्ट चैप्टर की न्यूमेरिकल सॉल्व करने आ जाते हैं तो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी. इनफैक्ट केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल से रिलेटेड कोई आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी. अगर आप बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स की अगर बात करें, अगर बेसिक लाइक केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स की बात करें, तो आपको उसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी अगर आपको ये 4 फार्मूला समझ आ गए हैं. मज़ीद जो न्यूमेरिकल के सॉल्यूशंस हैं उनको देखने के लिए आप जो है फर्दर जो मेरी वीडियोज़ हैं उनसे आप हेल्प ले सकते हैं कि किस तरह फार्मूलाज को पुट करना है और किस तरह से आंसर निकालना है. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़.